मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस टीवी सीरियल के द्वारा यीशु मसीह के जीवन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और क्यों हमें यह टीवी सीरियल ना तो खुद देखनी है और ना ही हमें किसी को देखने के लिए कहना है ताकि उनके पास गलत सुसमाचार ना जाए। यह सीरियल के द्वारा नहीं सुसमाचार फैलेगा और ना ही परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हमें दिखाई गई है और कौन सी बातें दिखाई जाने वाली है। इस वीडियो में देख रहे हैं कि यीशु के जन्म के वक्त यहाँ पर यूसुफ और मरियम के साथ और दो महिलाएं भी दिखाई गई है। बल्कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमें मालूम हो जाता है कि यीशु के जन्म के वक्त वहाँ पर केवल यूसुफ मरियम ही थे और बाद में गडरिए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टीवी सीरियल के द्वारा हमें वो चीज़ें दिखाई जा रही है जो इस सीरियल के निर्माता को हमें दिखानी है, ना कि वो चीज़ें जो बाइबल में बताई गई है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यीशु के हाथ में एक मरी हुई मछली है और जब यीशु मछली को देखकर रोते हुए आसमान पर देखते हैं और बाद में मछली को पानी के पास जैसे ही लाते हैं वह मछली जीवित हो जाती है। यह चमत्कार आपको बाइबल में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपके जानकारी के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि बाइबल बनाते वक्त एक समुदाय ने एक किताब बनाकर उसे धुमा रचित सुसमाचार नाम देकर बाइबल के किताबों को संगठित करने वालों के पास लाकर वह किताब बाइबल में जोड़ने के लिए कहा। लेकिन जब उन बाइबल ज्ञाताओं ने वह किताब की छानबीन की तब उन्हें मालूम हुआ कि उसमें चमत्कार बताया गया है कि यीशु जब छोटे थे तब उन्होंने कुछ मिट्टी की चिड़िया बनाई थी और कुछ लोग आकर उन्हें चिल्लाए, तब यीशु ने उन चिड़ियों को उड़ जाओ ऐसा कहा, तब उन मिट्टी की चिड़ियों में जान आ गई और वे उड़कर वहाँ से चली गई। और ऐसे बहुत से चमत्कार जो बाइबल के सुसमाचार से मेल नहीं खा रहे थे वे उस किताब में लिखे गए थे, इसलिए वह किताब को गलत ठहरा कर उसे बाइबल में लिया नहीं गया। और उससे परे और कि यह किताब का सारा भाग आपको कुरान में लिया हुआ दिखाई देगा, इसलिए कुरान में भी आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और जब हम यह मछली का चमत्कार इस टीवी सीरियल में देखते हैं तब हमें मालूम हो जाना चाहिए कि यह सीरियल द्वारा भरमाने का काम किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक और चमत्कार यहाँ पर बताया गया है कि एक अंधे इंसान की आंखों पर यीशु मसीह ने हाथ रखा और वह इंसान को तुरंत दिखाई देने लगा। ये चमत्कार यीशु मसीह जब छोटे थे तब तो नहीं हुआ है, ये चमत्कार यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के कार्य को शुरू किया तब उस कार्य के दौरान किया हुआ है, ना कि जब वह छोटा बच्चा था। और इस टीवी सीरियल में हमें यह दिखाया गया है कि यीशु बचपन में ही चमत्कार करते आ रहे हैं और यह बात बाइबल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार काना नाम जगह पर एक शादी के दौरान पानी का नाकलस बनाने के द्वारा किया है। इस पार्ट में यीशु मरियम को माँ कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़े हो तो आप जान जाओगे कि यीशु मसीह ने मरियम को
एक बार भी माँ कहकर पुकारा नहीं है। यूहन्ना 2:4, यूहन्ना 19:24। इन वचनों में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। हर बार उन्होंने मरियम को हे महिला और हे नारी कहकर ही पुकारा है। इस पाठ में बताया गया है कि क्या आपने देखा है उन्हें करीब से, जो आज भी बंधे हैं सलीब से। आप ठीक से सुन पाए हैं तो कि यीशु मसीह आज भी सलीब पर बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा यीशु तो सलीब से बंधा नहीं है। वह सलीब पर मृत्यु के बाद कब्रों में रखा गया और तीसरे दिन वह जीवित हो गया है और आज भी वह जीवित है। लेकिन इस सीरियल में बताया गया है कि वो आज भी सलीब पर बंधा हुआ है, मतलब यह यीशु के सुसमाचार को आधे तक ही रखेंगे या मिलावट करके दिखाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जो मरकर जी उठा और आज भी जीवित है। इन चीज़ों के द्वारा हमें अभी से मालूम कर लेना चाहिए कि जो ये छोटे से टीवी सीरियल में से सुसमाचार को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है, वह आगे भी पूरी तरह से गलत ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इससे लोगों में गलत सुसमाचार फैल सकता है। इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना होगा और हमें खुद यह टीवी सीरियल नहीं देखनी है, ताकि हम विश्वास से भटक ना जाए और हमें गैर विश्वासियों को भी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप ये सीरियल देखो तो आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कौन है। तो ये सब गलत चीज़ें अगर वे देखेंगे और अगर आप उन्हें सच्चा सुसमाचार बताने जाएंगे तो आपकी बातें टीवी सीरियल से मिल नहीं खाएगी। उससे अच्छा आप उन्हें ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गलत बताया जा रहा है, और उन्हें आप बाइबल के द्वारा या यूट्यूब पे जो लुका रचित सुसमाचार पर या यूहन्ना रचित सुसमाचार पर आधारित जो यीशु के जीवन के बारे में फिल्म बनाई गई है उसे दिखाकर उन्हें सच्चा सुसमाचार बता सकते हैं। और एक बात, कहीं ना कहीं यीशु मसीह का जीवित सुसमाचार लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए कुछ लोगों का समुदाय गलत सुसमाचार फैलाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो सुसमाचार के विरुद्ध है वो टीवी सीरियल के द्वारा दिखाने का प्रयोजन किया जा रहा है। अगर टीवी सीरियल के माध्यम से यीशु मसीह का सही सुसमाचार या यीशु मसीह की सही शिक्षा बताने का इनका प्रयास होता तो ग्रैंड स्टैंड्स की जो अंग्रेजी फिल्म आई थी वो हिंदी भाषा में भारत में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। वो खाली अंग्रेजी में ही प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई ताकि सामान्य लोगों तक यीशु मसीह का सही संदेश ना पहुँचे। तो अब यह कैसे संभव हो सकता है कि यह टीवी सीरियल के माध्यम से वे लोगों को सही सुसमाचार ही बताएं। हम पहले ही इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि इन चमत्कारों के द्वारा या इन शब्दों के द्वारा सही शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंच रही है और सारी चीज़ें बाइबल से कहीं से भी मिल नहीं खाती। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और आपके सारे विश्वासी और गैर विश्वासी भाई बहनों को सतर्क करें। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहे और बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में अपना समय बिताए, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से चल सकें।